Assembly of Believers Church की तरफ से प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम में आज मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपको और मुझको अपने वचनों के द्वारा बड़ा इनकरेज करेगा। प्रभु के लोगों, आप चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन को सक्सेसफुल बनाए, हमारे जीवन को कुशल बनाए। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए जो दूसरों के लिए बरकत का कारण बन सके। कई बार हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर हमको भी ऊंचे पे उठाए, हम भी चाहते हैं परमेश्वर हमारे घर में आशीष दे, हमारे जीवनों में बरकत दे, पर हम अक्सर उस आशीष को और उस बरकत को नहीं पा पाते हैं। बहुत ढेर सारे आज बैंक्स हैं जो आज आपको इस तरीके के लोन्स दे रहे हैं जिसमें वो कहते हैं आप थोड़ा सा, या इस तरीके की स्ट्रैटेजीज बैंक में लोगों ने बना रखी हैं कि आप थोड़ा सा पैसा डालिए और आपको बड़ा रिटर्न मिलेगा, आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करिए आपको बड़ा रिटर्न मिलेगा। और आज पूरी दुनिया इस बारे में परेशान है कि कैसे हम थोड़े से रिटर्न्स को डालें, थोड़े से इन्वेस्टमेंट को करें और बहुत ढेर सारा रिटर्न पाएं। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम से कुछ चीज़ों को दिखाना मांगूंगा और बताना मांगूंगा परमेश्वर का वचन क्या बताता है। हम दुनिया में तो कई बार दुनियावी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और कई कई जगहों पे अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पर आपको कहानी हर जगह की मालूम है। इन्वेस्टमेंट तो करते हैं ये सोच के रिटर्न अच्छा आएगा, पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न अच्छा नहीं होता है। आज इस मैसेज का उद्देश्य ये है कि आज मैं परमेश्वर के कलाम से आपको ये बात बता पाऊं कि जब हम अपना इन्वेस्टमेंट परमेश्वर को हाजिर और नाजिर जान के करते हैं, जब हम यीशु मसीह को सेंटर बना के कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कभी व्यर्थ नहीं जाती है या वेस्ट नहीं होती है। मेनी टाइम्स वी आर इन्वेस्टिंग, पर उस इन्वेस्टिंग का आधार कुछ और होता है। और अगर हम अपने आज उस आधार को इन्वेस्टमेंट के सही कर लें, या उस प्रिंसिपल को जिसके कारण हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सही कर लें, तो मैं आपको बताना मांगता हूं परमेश्वर हमको बहुत उठाएगा और बनाएगा। आप बोल रहे हैं कि मैं आखिर आपसे क्या बात कर रहा हूं। मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के इस मैसेज को समझाना मांगूंगा और तब मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा। मेनी टाइम्स वी वॉन्ट टू इंक्रीज, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़त लाए। बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर आपके जीवन में बढ़त लाए, पर कभी आपने ये सवाल अपने आप से पूछा है कि क्यों? क्यों परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर बढ़त लाए? क्या मैं इसलिए चाहता हूं परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर बढ़त लाए ताकि मैं ऊंचा उठ सकूं, ताकि मेरा नाम महान हो, ताकि लोग मेरे बारे में जाने? या मैं इसलिए चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे बड़ा करे ताकि मैं अपने जीवन से परमेश्वर को बड़ा करने पाऊं? व्हाट इज द रीजन कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे? फॉर एग्जाम्पल, आप ये वाली बात कह सकते हैं कि मैं चाहता हूं मेरा बिजनेस बहुत बढ़ जाए, या मेरा बच्चा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ जाए। आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है, आप क्यों चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ जाए या आपका बिजनेस अच्छा हो जाए? चलिए एक इस मुद्दे को उठाते हैं, बोलते हैं कि क्यों मैं चाहता हूं मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए। भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं इसलिए चाहता हूं कि मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए ताकि लोग मुझे जाने। एग्जैक्टली, आपको लोग क्यों जाने? ये सवालों का जवाब आपको खुद देना है। मैं चाहता हूं मेरे पास अच्छा बिजनेस हो, अच्छी बात है आपके पास अच्छा बिजनेस हो, पर क्यों अच्छा बिजनेस हो? ताकि लोग मुझको जाने। लोग आपको क्यों जाने? लोग मुझे इसलिए जाने ताकि मेरी एक पहचान बन सके, एक आइडेंटिटी बन सके। आप क्यों चाहते हैं आपकी एक आइडेंटिटी बन सके? मैं इसलिए चाहता हूं मेरी आइडेंटिटी बन सके ताकि मैं बता सकूं लोगों को कि मेरी मेहनत सफल हुई है। देखिए, जब आप पहली बार बात कर रहे थे, या आप ये कह लीजिए जब मैं पहली उस लेयर की बात कर रहा था जहां पर आप ये बोल रहे थे कि मैं चाहता हूं मेरा बिजनेस सफल हो, तो वहां पर आप अपने विषय में बात कर रहे थे। आप चाहते तो हैं कि परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करे, पर यह बात आपको निश्चित तरीके से अपने आप से पूछनी है कि परमेश्वर आपके बिजनेस को क्यों ब्लेस करे। आप चाहते तो हैं कि परमेश्वर आपके बच्चे को आशीष दे, पर आपके बच्चे को वो आशीष क्यों दे? आप चाहते तो हैं परमेश्वर आपकी शादी को आशीष दे,
पर आप क्यों चाहते हैं परमेश्वर आपकी शादी को आशीष दे, इन सवालों के जवाब जब तक आपके और मेरे दिमाग में क्लियर नहीं होंगे, मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि तब तक परमेश्वर से उम्मीद करनी व्यर्थ होती है। क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं देना चाहता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परमेश्वर हमको आशीष नहीं देना चाहता है। परमेश्वर बिल्कुल हमको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमको बिल्कुल बरकत देना चाहता है, पर परमेश्वर साथ ही साथ ये चाहता है कि हम इस बात को समझ सके, हम इस बात को जान सके, जब तक कि हम उस परमेश्वर को जो हमें आशीष देता है अपनी आधारशिला नहीं बना लेंगे, तब तक वो आशीष जो हमारे जीवन में आ रही है वो खुशी उत्पन्न नहीं करेगी जिसकी तलाश में हम हैं, और ना ही वो आशीष उस तरीके से बढ़ के दूसरों को आशीष दे पाएगी जैसी आशीष हम चाहते हैं कि दूसरों को मिले, क्योंकि आधारशिला उस आशीष की यीशु नहीं है। हमें आज यीशु मसीह को अपने जीवन की आधारशिला बनाना जरूरी है। जब तक हम यीशु मसीह को अपनी आशीषों की आधारशिला नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी आशीष दूसरों के लिए बरकत का कारण नहीं बन सकेगी। आज मैं आपको दो पैसेजेस में लेके जाना मांगूंगा और मैं आपको ये दिखाना मांगूंगा कि जो कुछ आपके पास है जब आप उसको परमेश्वर में इन्वेस्ट कर देते हैं या आप परमेश्वर रूपी बैंक के अंदर उसको पूरी रीति से दे देते हैं, तो आप इस बात को प्रभु यीशु मसीह के साथ अग्री कर रहे हैं, इस बात में या इस बात में आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अग्री कर रहे हैं कि यीशु मसीह मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि जब मैं ये सारी इन्वेस्टमेंट्स आप में कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि ये व्यर्थ नहीं जाएंगी, और ये व्यर्थ इसलिए नहीं जाएंगी क्योंकि मैंने आपको अपना आधार बनाया है, या ये व्यर्थ इसलिए नहीं जाएंगी बिकॉज आई हैव मेड यू द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। आई वॉन्ट व्हेन आई विल इन्वेस्ट इन दिस, जब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं तो आपका नाम ऊंचा हो। ये इन्वेस्टमेंट मैंने आप में इसलिए नहीं करी है कि मैं सिर्फ सक्सेसफुल बन जाऊं, डेफिनेटली मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, मगर इन्वेस्टमेंट करने का प्रभु यीशु मसीह आप में रीजन ये नहीं था कि मैं सक्सेसफुल हूं, इन्वेस्टमेंट करने का रीजन ये था क्योंकि मुझे मालूम था कि जब मैं आप में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट पे व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग जो इस समय टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं और आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कई बार आपने प्रभु में अपने टाइम को इन्वेस्ट किया है, आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, आपने अपने जीवन को इन्वेस्ट किया है, पर कभी अपने आप से इस सवाल को नहीं पूछा है कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट क्यों करी है। हमने कई बार चर्च में अपने जीवन को लगा दिया है, सिर्फ इसलिए लगा दिया है क्योंकि और लोगों ने भी लगाया है। क्या आप अपने जीवन को प्रभु में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि और लोग भी इसमें अपने जीवन को लगा रहे हैं? क्या आप अपने पैसे को और अपनी टाइट्स को और अपने टैलेंट्स को प्रभु के मंदिर में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि और लोग भी लगा रहे हैं, या आप इसलिए लगा रहे हैं अपने टाइम को या इन्वेस्टमेंट्स को या अपने पैसे को या अपने टैलेंट्स को परमेश्वर के लिए इसलिए दे रहे हैं कि लोग आपको जाने, या आप ये सब को इसलिए दे रहे हैं ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा उठे? आज आपको और मुझको यह बात समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने एक एक बरकत जो हमें दी है वो इसलिए नहीं दी है कि सिर्फ हम उसमें खुश होएं, पर वो बरकतें हमें इसलिए दी हैं ताकि हम उसमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य दास की मानिंद बने रहें और वो काम करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। जब आप अपने छोटे से छोटे गिफ्ट को जो परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है फेथफुली इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ताकि उससे परमेश्वर को रिटर्न्स दे सकें या परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें, तो परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर एक बड़ी आशीष को और एक बड़ी बरकत को लेके आता है। आपने ये वाला पैराबल सुना होगा, बहुत समय नहीं है कि मैं आपके लिए सब कुछ पढूं, पर आप जाके मत्ती की पुस्तक में उसके 25वें अध्याय में उसकी 20वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। और आपको मालूम है यहां पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है और इस दृष्टांत में ये वाली बात कही है कि उसने उस मालिक ने जो दूर देश जा रहा था अपने सेवकों को कुछ तोड़े दिए या कुछ टैलेंट्स दिए। एक को उसने 5 दिया, दूसरे को उसने 2 दिए और तीसरे को उसने 1 दिया। जिसने 5 पाए थे उसने 5 से 5 और कमाए, जिसने 2 पाए थे उसने 2 से 2 और कमाए, और जिसने 1 पाया था उसने उठा के उस टैलेंट को गाड़ दिया।
परमेश्वर बताता है आगे, बच्चों को समझाता है इस पैराबल को कहते हुए, और यीशु मसीह कहने लगा कि बेटा जिसने 5 थे तुमने उस 5 से क्या किया? उसने बोला मैंने 5 से 5 और कमाए। और यीशु मसीह कहने लगा कि उनका मालिक जिसने उसको 5 तोड़े दिए थे उसने 5 से 5 कमाए, बड़ा खुश हुआ। मैं आपको मती रचित सुसमाचार की 25वीं अध्याय की 23वीं आयत पढ़ना मांगूंगा और एक स्टेटमेंट पढ़ना मांगूंगा। जब यीशु मसीह ने ये पैराबल कहते समय अपने चेलों को एक बात समझाई, उसने कहा जब मालिक ने उस व्यक्ति से जिसको उसने 2 तोड़े दिए थे, जब मालिक ने अपने उस सेवक से जिसको 2 तोड़े दिए थे ये बात पूछी कि मैंने तुझे 2 तोड़े दिए थे, तूने 2 तोड़ों से और क्या किया, तब जवाब सुनिए जरा क्या था। दिखा हुआ है 23वीं आयत में, उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास से योग रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जब ये वाली बात प्रभु यीशु मसीह उनसे कह चुका तो उनको आगे समझाने लगा कि जिसको 1 तोड़ा दिया था उसने अपना तोड़ा लेके छुपा दिया और उसको व्यर्थता में मिला दिया। कहने की सारी बात यह है कि स्वामी ने अपने सेवकों को वो तोड़े इसलिए दिए थे ताकि वो उन तोड़ों से और तोड़ों को कमाए, और परमेश्वर ये बताना चाहता था ऐसा करके वो अपने स्वामी की खुशी में सहभागी हो सकेंगे। ये दृष्टांत जब प्रभु बात कर रहा है तो वो आपको और मुझे समझाने के लिए कर रहा है और ये बताना चाहता है कि आप में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने कुछ तोड़ा ना दिया हो। देयर इज नोबडी ऑन दिस अर्थ हु हैज नॉट बीन ब्लेस्ड बाय समथिंग और द अदर फ्रॉम द लॉर्ड एज अ गिफ्ट दैट दे कैन नॉट मल्टीप्लाई। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट यूज द गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन अस टू मल्टीप्लाई। परेशानी ये है कि परमेश्वर ने जो तोड़े हमको दिए हैं हम उन तोड़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। परमेश्वर ने जो थोड़ा सा पैसा हमको दिया है हम उस थोड़े से पैसे को इस्तेमाल नहीं करते हैं। और कई बार हम इस मनुष्य की तरह जिसको सिर्फ 1 तोड़ा मिला था कंप्लेन करने लगते हैं कि जहां तू नहीं बोता है तू वहां से बटोरना चाहता है, जहां पर तू नहीं बिथराता वहां से तू चाहता है। आई वॉन्ट टू टेल यू माई फ्रेंड, कई बार हम लोग एग्जैक्टली यही काम करने लगते हैं। जब हमारे पास एक बड़ी सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बच्चे की फीस भरने के लिए कोई पैसा नहीं होता है या हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ढेर सारा पैसा नहीं होता है, तो अक्सर हम बड़बड़ाने लगते हैं और बुड़बुड़ाने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कैसे हम इस काम को पूरा करेंगे। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल परमेश्वर के वचन से आपके सामने रखना मांग रहा हूं, और वो प्रिंसिपल ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसको इस्तेमाल करना चालू करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोले और जो कुछ आपके पास है आप उसको परमेश्वर में इन्वेस्ट करना चालू करें। जब आप उसको परमेश्वर में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे तब परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करना चालू करेगा। पर इन्वेस्ट किस लिए करें? इन्वेस्ट इसलिए करें ताकि परमेश्वर इस चीज से खुश हो सके कि जो कुछ उसने आपको दिया था आप उसमें विश्वास योग्य रहे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट द मिनिस्ट्री और आप बहुत अच्छी तरीके से वर्शिप लीड नहीं करा सकते हैं, जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट लीड वर्शिप इन अ प्रॉपर वे डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट प्रीच द गॉस्पल। परमेश्वर ने सबको अलग अलग तोड़े दिए हैं, किसी को प्रचार का तोड़ा दिया है, किसी को चंगाई का तोड़ा दिया है, किसी को दुष्टात्माएं निकालने का तोड़ा दिया है, किसी को प्रोफेसी का तोड़ा दिया है। पर काम यह करना है कि जो भी तोड़ा आपको दिया गया आपको उसको इस्तेमाल करना किस लिए? अपने नाम के लिए नहीं पर परमेश्वर के नाम के लिए। जब आप उस तोड़े को इस्तेमाल करने लगेंगे तब परमेश्वर उस तोड़े को जो आपको दिया था और बढ़ाएगा। कई बार हम उन तोड़ों को जो परमेश्वर हमको देता है तोड़ मरोड़ के खत्म कर देते हैं और कहने लगते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताना मांगता हूं जो कुछ आपके पास है आपको उसको लेके परमेश्वर के हाथ में ईमानदारी के साथ सौंपते हुए उस पर काम करना है ताकि आप उसको बढ़ा सके। आई वॉन्ट टू टेल यू, जब हम बैंगलोर में मिनिस्ट्री करने के लिए आए थे तो मैं, मेरी पत्नी और मेरा 4 महीने का बच्चा इस शहर में आए थे और हम किसी को भी नहीं जानते थे।
पर हमें किसी को जानने की जरूरत भी क्या है जब परमेश्वर हमारे साथ है। जब हमने इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया आज से 6 साल पहले, तो हमने परमेश्वर को अपने सामने रखा और कहने लगे, परमेश्वर तू हमको इस शहर में लेके आया है और तू इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएगा। आपको रिजल्ट्स मालूम है, टुडे आई एम प्रीचिंग टू यू थ्रू द मीडियम ऑफ टेलीविजन एंड थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। ये मिनिस्ट्री ऐसे कैसे बढ़ी? ये मिनिस्ट्री ऐसे इसलिए बढ़ने वाली हो सकी क्योंकि मैंने परमेश्वर के उस तोड़े को जो उसने मेरे अंदर रखा था विश्वास किया कि वो उसको बढ़ाने में कामिल है, वो उसको बढ़ाने में शक्तिशाली है। जब मैंने इस बात पे विश्वास किया कि परमेश्वर उस तोड़े को जो उसने मुझे दिया है, ये जान के दिया है कि अगर मैं इसके साथ विश्वास योग्य बना रहूंगा तो उसे बढ़ाएगा, जब मैंने ये बात पे विश्वास किया तो परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को बढ़ाया। आज मैं आपसे बात करना मांग रहा हूं कि परमेश्वर ने जो तोड़े को आपको दिया है, क्या आप उसके साथ विश्वास योग्य हैं? Might be it's a small business that God has given to you, but do you use that business to glorify God or you use that business to glorify yourself? For example, परमेश्वर ने मुझे ये ministry दी है, तो मैं इस ministry का इस्तेमाल क्या इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं बढ़ने पाऊँ, या मैं इस ministry का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि church बढ़ने पाए, या मैं इस ministry का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि यीशु मसीह का नाम ऊँचा उठने वाला हो सके? This is what that you and I have to decide. और मैंने अपनी मिनिस्ट्री में इस बात को डिसाइड किया है कि इस मिनिस्ट्री में मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं दिखाई दूं, ना मैं ये चाहता हूं इस मिनिस्ट्री में मेरी पत्नी या मेरा बच्चा या मेरे चर्च के लोग दिखाई दें। व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री इज कि प्रभु यीशु मसीह का नाम दिखाई दे, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठे। एंड मोर आई डू दिस, मोर गॉड ब्लेसेस मी। इट्स नॉट दैट गॉड डज नॉट वॉन्ट टू ब्लेस यू। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आपको आशीष ना मिले। अगर परमेश्वर ये बात नहीं चाहता कि आपको आशीष ना मिले, तो फिर वो एक तोड़ा जो आपको दिया था, वो एक से उस दो तोड़े में क्यों परिवर्तित करता? जब उसने एक तोड़े को दूसरे परिवर्तित में बदल दिया, या दो तोड़ों से उस आदमी को शक्ति दी कि 2 से 4 बनाए, या जिसने 5 बनाया था उससे 5 से 5 और बनाने की शक्ति दी, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है आप मल्टीप्लीकेशन में बढ़ें। God wants a multiplication in your life. Definitely God wants you to increase. इसमें कोई दो राय नहीं है कि परमेश्वर चाहता है आप बढ़ें। पर ये लोग इसको क्यों बढ़ा रहे थे? ये लोग इसको इसलिए बढ़ा रहे थे ताकि परमेश्वर के दिए हुए उस वरदान के साथ वो फेथफुल रह सके। It was not about them, it was about God. क्योंकि इस स्टेटमेंट में जिसके पास एक तोड़ा था, उसने उस तोड़े को छिपा दिया और कहने लगा कि तू जहां से नहीं, जहां तू नहीं बोता है वहां से बटोरना चाहता है। दैट मींस दे वर नोइंग दैट द रीजन व्हाई गॉड इज गिविंग टू मी दिस टैलेंट इज बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स समथिंग आउट ऑफ मी व्हेन आई हैव रिसीव्ड दिस टैलेंट। हो सकता है परमेश्वर ने आपको बिजनेस का टैलेंट दिया हो सकता है परमेश्वर ने आपको प्रीचिंग का टैलेंट दिया हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक इवेंजलिस्ट का टैलेंट दिया हो, या किसी टीचर का टैलेंट दिया हो, या डॉक्टर का टैलेंट दिया हो। वॉट एवर टैलेंट इट कैन बी, आई एम आस्किंग यू टूडे, आर यू यूजिंग इट फॉर गॉड्स ग्लोरी और आर यू यूजिंग दैट टैलेंट फॉर योर सेल्फ? एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट टैलेंट फॉर योर सेल्फ, देन टूडे इज द डे। अगर आप उस तोड़े को प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आज आपके लिए दिन है कि आप आज परमेश्वर के पास आ सकते हैं और आज कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, पूरे जीवन भर मैं सिर्फ ये चाहता रहा कि मेरा बिजनेस इसलिए बढ़े ताकि मैं बढ़ने पाऊं, या मैं बच्चा इसलिए, मेरा बच्चा इसलिए बढ़े ताकि मैं पढ़ने पाऊं, या मेरी शादी इसलिए अच्छी हो जाए ताकि हम लोग खुश रहने पाए। पर मैंने हमेशा आपको अपने इस बढ़त से दूर रखा, पर आज मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं और आज से मैं अपनी इस बढ़त में आपको सारा श्रेय देना चाहता हूं। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपकी बढ़त में एक ऐसी खुशी लेके आएगा जो किसी की समझ से परे है। बाइबल बहुत क्लियरली इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने जिसने अपना बेटा तुम्हारे लिए दे दिया, क्या वो और सब तुम्हें चीजें ऐसे ही नहीं दे देगा? सोच के देखिए, उस परमेश्वर ने जिसने अपने बेटे तक को आपके लिए नहीं छोड़ा, क्या वो कोई बरकत आपके लिए छोड़ के रखेगा? पर आज ये सवाल आपके सामने मैं रखना मांगता हूं कि आज आप क्या यीशु मसीह को अपनी आधार बनाना चाहते हैं? Do you want to make Jesus your foundation?
Or do you want that your glory must become your foundation? Ya aap ye chahte hain your talent may become your foundation? Or do you want to invite Jesus in your life so that you make Jesus your foundation? Ab kya chahte hain aaj aapka aadhar bane? Kya aapka talent aapka aadhar ban jaye, aapka paisa aapka aadhar bane, ya aaj yeshu masih aapka aadhar bane? Kya aap chahte hain paisa aapki neev bane, aapka achha naam aapki neev bane, ya aap chahte hain yeshu aapki neev ban jaye? अगर आज आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आज आपकी नींव बन जाए, तो आज अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कर दीजिए। हमारे फेलियर्स का कारण या हमारे सक्सेसफुल होने के बाद हमारी कोई खुशी में हमारे हमारे जीवन में कोई खुशी ना होने का कारण यह है कि यीशु हमारी फाउंडेशन नहीं है, यीशु हमारी नींव नहीं है। आज मैं आपके लिए दुआ करना मांगता हूं और आज मैं आपको निमंत्रण देना मांगता हूं कि यदि आज तक सक्सेसफुल होने के बाद भी आपने अगर यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है और उस खुशी को हासिल नहीं किया जो यीशु में रहने से आती है, यदि आज तक आपने अपनी सारी सक्सेस का श्रेय यीशु को ना देके अपने आप को दिया है और आप खुश नहीं है, तो ये आज आपके लिए एक ऐसा मौका है जिसमें आज अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप सकते हैं और आज आप ये बात बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आ जाएं। लॉर्ड आई वॉन्ट यू टू कम इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू मेक यू माई फाउंडेशन। मैंने पैसे को अपनी नींव बनाया, चीजों को अपनी नींव बनाया, पर मैं सक्सेसफुल होने के बाद भी खुश नहीं हूं और मुझे ये बात समझ में आ रही है क्योंकि मैंने तुझको अपनी नींव नहीं बनाया है, इसलिए मैं आज तक आनंदित नहीं हूं। पर आज से मैं आपको अपनी नींव बनाना चाहता हूं। आइए मैं आपके लिए दुआ करना मांगता हूं। अपने हाथ को इस टेलीविजन स्क्रीन के सामने बढ़ा लें और मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं इन व्यूअर्स के लिए आपसे प्रार्थना करना मांगता हूं जो आज इस टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और आज इस बात को अपने दिल में गांठ बांध ले रहे हैं कि आज से हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी नींव बनाएंगे। हमने पैसे को अपनी नींव बनाया, अपने स्वार्थ को अपनी नींव बनाया, अपनी ऊंचाइयों को अपनी नींव बनाया, पर यीशु को अपनी नींव नहीं बनाया। आज हम यीशु को अपनी नींव बनाना चाहते हैं, आज हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं और आज हम ये बात बोलना चाहते हैं, अगर हम बढ़ेंगे तो यीशु के लिए बढ़ेंगे, अगर हम मरेंगे तो यीशु के लिए मरेंगे, जिएंगे तो यीशु के लिए जिएंगे। प्रभु इनको बरकत दे और इनको खूब बढ़ा, इनकी बढ़त का कारण तेरी महिमा होने वाली हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिफ्टींथ अगस्त हम इंडिपेंडेंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, पर यह इंडिपेंडेंस हमें यूं ही नहीं मिली है, बहुत से लोगों ने इसके लिए अपनी जान की आहुति लगाई है। क्या ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन सेवकों के लिए जो हमारे देश के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं उनको बरकत दे, अपनी बुद्धि से भरे ताकि वो इस देश का संचालन अच्छी तरीके से कर सकें। इसीलिए असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च ने एक स्पेशल प्रार्थना सभा रखी है जिसके लिए आज मैं आपको ये निमंत्रण देना चाहता हूं। जरूर से आप इस जगह पे जिसका एड्रेस इस समय स्क्रीन पे है, शाम को 5:30 बजे आके इबादत करें और अपने देश के लिए प्रार्थना करें और उन सेवकों के लिए भी प्रार्थना करें जो इस देश को चला रहे हैं, ताकि हमारा देश उन्नति की ओर प्रगसर करता चला जाए और परमेश्वर आसमान से, स्वर्ग से हमारे लिए बरकत को भेजे। जय मसीह की। अगर आप ये प्रोग्राम कहीं पर भी देख रहे हैं और आप चाहते हैं हमारे साथ इबादत करना, मैं आपको बताना मांगता हूं कि हमारी इबादत थ्रू आउट द वीक होती है। हर ट्यूसडे को हमारी बाइबल स्टडी होती है जो रात में 8 से 9 बजे तक होती है। थर्सडे को हमारी यहाँ फास्टिंग प्रेयर होती है जो शाम को 7 बजे से 8 बजे तक होती है। हर फ्राइडे को लेडीज प्रेयर मीटिंग होती है जो सुबह 11 से 12 बजे होती है। हर सैटरडे को किड्स फॉर क्राइस्ट होता है जिसको हम KFC के नाम से बोलते हैं, जहां पर बच्चे बहुत सी गंभीर बातों को परमेश्वर की सीखते हैं, और पूरा बच्चों का चर्च होता है जो शाम को 4 बजे से 5 बजे सैटरडे को होता है। फिर फाइनली हमारी संडे को 10 बजे इबादत होती है जिसमें बहुत से लोग आके परमेश्वर की इबादत करते हैं और परमेश्वर इस चर्च के अंदर जो फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर है इसमें हम परमेश्वर के चेहरे को देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं और बहुत आशीष बरकत पाते हैं। अगर आप इन इबादतों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हो सकते हैं, हमारे एड्रेसेस स्क्रीन पे हैं, जरूर से इन एड्रेस को ले लीजिए। फोन नंबर्स, ईमेल्स जो समय स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं आप इनको ले सकते हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए।
लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन सो दैट यू कैन कम टू द चर्च। अगर आप किसी को चर्च रेफर करना मांगते हैं कि प्लीज इस चर्च जाइए, इस चर्च से हमें बहुत बरकत मिली है, तो आप उनको हमारा नंबर के बताइए कि हमारा एक रिलेटिव है, हम चाहते हैं कि हमारे ये रिलेटिव चर्च आए आपके और आपके साथ सहभागी हो, तो हम जरूर से उन्हें कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, सो दैट वी कैन जस्ट गो ऑन। कीप वॉचिंग पावर ऑफ गॉड प्रोग्राम। इसी तरीके से आप हमारे साथ खड़े रहिए ताकि हम आपको और नए नए प्रोग्राम्स ला के दिखाते रहें और आपको टीचिंग्स परमेश्वर के कलाम से देते रहें, जिससे आप अपने घर को बना सकें, परमेश्वर के राज्य में आप बरकत का कारण हो सकें और आपका जीवन खुशी से भरा रहे। मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु की सामर्थ आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी पर्सनल लाइफ में काम करती रहे। जय मसीह की।